नमस्कार जनटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के चुनावी तैयारियों की। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही जुटी हुई है। अमित शाह के दौरे के बाद अब कांग्रेस ने भी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एक शिविर का आयोजन किया। दिल्ली से सोशल मीडिया सहित अन्य प्रमुख लोग आए। कितना क्या रहा इसका असर हम आपको बताएंगे, और साथ ही क्या रहा खास प्रशिक्षण शिविर में। प्रशिक्षण से ज्यादा इसमें अशोक गहलोत ने पायलट को और पायलट ने अशोक गहलोत को प्रशिक्षण दिया कि आपको इनसे बचना चाहिए, आपको उनसे बचना चाहिए। खैर, ये एक लर्निंग सेशन था ये, जो कैसा रहा हम उसको लेकर के खास खबर में चर्चा करेंगे। आप हमारा मजमून देखिए और उसके बाद लौटते हैं पैनलिस्ट के पास। प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और दोनों ही पार्टियों की चुनावी तैयारियां भी तेज हैं। इस सिलसिले में आज राजधानी जयपुर में कांग्रेस की चुनावी कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अलवर में गौ तस्करी के आरोप में मारे गए अकबर हत्याकांड के मामले पर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन महासचिव अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के दिन पूरे हो चुके हैं, विकास का जुमला सभी को समझ में आ चुका है। उधर भाजपा ने कांग्रेस की इस चुनावी कार्यशाला पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा की ओर देख रही है। प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार के कार्यकाल और पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करेगी। जनता इंतजार किसका कर रही है, ये जनता तय करेगी। हमारे काम का असेसमेंट करेगी और उनके काम का पिछले 5 साल का असेसमेंट करेगी। उसके जब असेसमेंट करेंगे तो शायद जनता उनका इंतजार नहीं करेगी, उनका तिरस्कार करेगी और इंतजार हमारा करेगी और शासन हमारे हाथ में। राजस्थान के चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कई मामलों में अहम है। राजस्थान के चुनाव परिणाम का असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, इसलिए बीजेपी हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहेगी। वहीं अगर कांग्रेस जीतती है तो ये जीत कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनेगी। उपचुनावों में जीत से भी कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं 1999 से प्रदेश में एक कार्यकाल के बाद विपक्षी पार्टी को मौका मिल रहा है, लेकिन इस बार क्या ये ट्रेंड फिर से जनता को पसंद आएगा या फिर चुनावी गणित कुछ और करवट लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी और यह कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर जिसमें हाल ही में हुए 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस काफी उत्साहित है। और बीजेपी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बीजेपी के चाणक्य भी कहलाते हैं, अभी उन्होंने कार्यकर्ताओं में गुर फूकने की कोशिश की, वो मंत्र दिए जिससे कामयाबी मिल सकी। उनका एक जो स्लोगन था, उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया पे आगे बढ़िए, बूथ लेवल तक लेके जाइए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमारी माउथ पब्लिसिटी होती है। 90 काम होते हैं, 10 काम नहीं होते हैं वो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन ज्यादा जो काम होते हैं उनको भी तो बुनाया जाना चाहिए। ये मंत्र उन्होंने दिया है और कितना खरा उतरेगा देखने वाली बात है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया पे हमें ध्यान देना चाहिए, बूथ मैनेजमेंट मजबूत हो। ये कॉमन बात कही जा सकती है कि सोशल मीडिया प्लस बूथ मैनेजमेंट दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर बड़ी मजबूती के साथ में लागू करना चाहते हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, उसे अभी से इस तरह की स्थिति में लेके जाना चाहते हैं ताकि हम किसी से कमजोर नहीं है। हालांकि शैलजा और भंवर जितेंद्र सिंह ने 2 बातें स्वीकार भी की है कि अभी हम बीजेपी से पीछे जाए, चाहे हम चुनाव प्रचार की बात करें या फिर सोशल मीडिया की। स्वीकार किया शैलजा ने, और भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का हमसे आगे है, भी
वो लोग सुबह 6-7 बजे पहुंचते हैं, हम लोग 10 बजे पहुंचते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो कमी स्वीकार की है कांग्रेस ने, भी कैसे दुरुस्त होगी ये देखने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1998 से एक बार आप एक बार हम, एक बार आप एक बार हम, हालांकि राजनीतिक दल करते नहीं हो लेकिन स्थितियां प्रदेश में यही बनी हुई है, उसे दुरुस्त करने के लिए क्या कदम दोनों ही पार्टियां उठाती हैं ये देखने वाली बात है और ये बड़ी चुनौती भी है। चलिए मनीष पारिक साहब इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनीष जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 1998 से जो परंपरा बन गई है जनता की दी हुई, और इसे परंपरा तो नहीं कहूंगा लेकिन एक बार वो एक बार आप एक बार वो एक बार आप, एक स्थितियां बनती जा रही है और कोइंसिडेंट है ये, तो इसे कैसे दुरुस्त करेंगे? बात योगेंद्र जी यही है कि जो 2008 के चुनाव में भी आपने देखा कि बीजेपी ने 79 सीट्स जीती थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई कोई कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव जीत रही थी और बीजेपी को रिजेक्ट किया गया था। अल्टीमेटली कुछ जो वोटों की गणित थी उसमें हम 5-7-10 सीटें कम रहे। अगर 5-7-10 सीटें बीजेपी की आ जाती तो पूरा बहुमत तो कांग्रेस पार्टी का भी नहीं था, और जब कांग्रेस पार्टी का पूरा बहुमत नहीं था तो उन्होंने जैसे सरकार बनाई वो बीजेपी की भी बन सकती थी, 6 तो बसपा से ले लिए और 10 उनके साथ 5-7 निर्दलीय आ गए, तो अल्टीमेटली वही 10-15 लोगों की शॉर्टेज वहां थी। तो बीजेपी चुनाव नहीं हारी थी वो, और उसका कारण है कि 80 सीट आ गई थी, वो सीटों की गणित में पीछे थी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मिथक तुमने पिछली बार ही तोड़ दिया था। मनीष पारिक साहब हमारे यहाँ पे संख्या बल के आधारित तो लोकतंत्र में चलता है, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी कांग्रेस की करारी हार हुई है, दूसरी पार्टी के पास में वोटिंग परसेंटेज कई बार ज्यादा होता है, कम वोटिंग परसेंटेज वाले सरकार बना जाते हैं, संख्या बल उनके पास में ज्यादा। आपने पूछा कि इसको कैसे तोड़ेगा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अमित शाह आए और उन्होंने जान फूकने की पूरी कोशिश की। आशीष चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपके पार्टी के दो नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि बीजेपी हमसे दो कदम आगे, शैलजा ने भी इस बात को स्वीकार किया और भंवर जितेंद्र सिंह ने भी किया है। शैलजा ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया और बीजेपी की जो अभी चुनाव प्रचार का तरीका उससे हम थोड़े पीछे हैं, और भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट हमारा बहुत सॉलिड होना चाहिए, सुबह 6 बजे अगर कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकते हैं तो बड़े मुश्किल होगा, हमारे कार्यकर्ता 10 बजे पहुंचते हैं और बीजेपी के सुबह 6 बजे पहुंचते हैं। चले वो आप लोगों का एक इंटरनेट प्रशिक्षण शिविर था जिसमें कमजोरी तारीफ 3 बाई इलेक्शन की जीत के बारे में भी चर्चा हुई तो कमजोरियों पे भी चर्चा हुई, यही प्रशिक्षण शायद आप लोगों का था, तो ये दूर कैसे करेंगे, वो निद्रा टूटेगी कार्यकर्ताओं की इस बार? योगेंद्र जी वहां पे जिस प्रकार से जो आप बात कर रहे हैं वो वहां पे सभी वक्ताओं ने एक बात ये भी बोली कि कांग्रेस पार्टी है वो एक मास पार्टी है, वो सदैव प्रदेश की जनता के चाहे राष्ट्र की जनता के जनता जनहित से जुड़े वो मुद्दे उठाती रही है और उन्हीं को ध्यान में रख के वो काम करती रही। लेकिन पिछले जो 2013 का चाहे राजस्थान का चुनाव हो चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, उस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा जो युवाओं के बीच में जो गलत तथ्य पेश किए, जो निराधार आरोप लगाए, तमाम तरह के एक जो हथियार के तौर पे उन्होंने जो काम लिया, निश्चित रूप से वो चुनौती थी और देश के युवाओं ने उस बात को सत्य माना। आज वो जो मुखौटा है वो निकल चुका है और तमाम सुप्रीम कोर्ट को भी इस प्रकार के जो वायरल जो मैसेज हो रहे हैं उनको लेके संज्ञान लेना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप कभी भी किसी भी चुनाव पे जाते हैं कोई तैयारी होती है तो तैयारी को अगर और ज्यादा बेहतर किया जा सके तो निश्चित रूप से जो सीनियर नेताओं का जो मार्गदर्शन था वो एक ब्लॉक के अध्यक्ष तक वो सीधा उन्होंने लिया और प्रैक्टिकल करके बातें की, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं, हमने एक विधानसभा सीट एक वोट के कारण भी खोई है, इसलिए वोट का महत्व क्या है, उस वोट का महत्व है किसी भी जीत के लिए किस प्रकार से, चाहे गुजरात में सरकार बनाने की बात हो चाहे कर्नाटक में बनाने की बात हो, गुजरात में भी कहा कि किस प्रकार हम छोटे छोटे मार्जिन से हमने सीटों को खोया है। नहीं, मेरा छोटा सा सवाल आप जो बोल रहे हैं उसी के ऊपर, सवाल सिर्फ इतना सा ये है कि क्या इस बात को आप लोगों ने स्वीकार किया है या महसूस किया है 2013 और 14 नरेंद्र मोदी के लिए? आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उस तरह से उन्होंने एक चुनाव कैंपेन शुरू किया, झूठ के पुलिंदे जुमले जो भी आप लोग आरोप लगाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका तोड़ क्या है? क्योंकि अभी भी अमित शाह जो मंत्र फूंक के गए हैं वो सोशल मीडिया को और कारगर बनाने के लिए कह के गए, और ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जो 2014 में आम चुनाव और 2013 के 4 राज्यों के विधानसभा में जो जीत का बड़ा असर रहा, ये कैंपेन जो रहा उसमें 50% योगदान सोशल मीडिया का, ये बात सही है, लेकिन कांग्रेस इससे बाहर कैसे निकल पाएगी? देखिए निश्चित रूप से जो 2013 का जो मुद्दे जो उन्होंने उठाए जिस प्रकार से एक तरफ से फायर हो गया, यहाँ पे अब स्थिति ये है कि जिस प्रकार से वो जो झूठे मुद्दे जो ट्रोल करने की बात है, जैसे अशोक गहलोत जी को उन्होंने साइंटिस्ट गहलोत बताया,
और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने उस बात को ट्वीट करके और फैलाया। हाथों हाथ कांग्रेस के आईटी सेल ने उस बात का जवाब दिया और आज उस चीज से वेल एक्यूपाइड है जिन्होंने जिसको काट के और मॉडरेट करके फेब्रिकेटेड करके जिस वीडियो को उन्होंने जो फैलाया था उसमें टोटल वीडियो डालते ही वो एकदम बिल्कुल बैकफुट पे आ गए और पता उनका फाश हो गया। उसी प्रकार ये रहने के लिए जरूरी है कि किस प्रकार से झूठे तथ्य ट्रोल करें और ऐसे ट्रोल जब किए जाएं तो उन फैक्ट्स को आप जनता के सामने रखना आज युवा का और तमाम कांग्रेस जनों का एक दायित्व है और उस दायित्व के लिए तैयार रहने के लिए एक निर्देश दिया है। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि बहुत सजग रहने की बात कही। मैं ओम जी सनी साहब हमारे साथ में है। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। दो बातें हैं यहाँ पे। अमित शाह ने तो कार्यकर्ताओं को यह लेसन दिया कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम डिस्कस भी इस पर कर चुके हैं कि यह हमारे फैलाव एक क्रम होता है कि 90 काम होते हैं और 10 काम नहीं होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है जनता के बीच। जो काम ज्यादा होते हैं उनको भी बताना चाहिए कि हमने ये भी किया है। और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि सारे काम कोई सरकार नहीं करती है। इसी तरह से जो कमजोरियां हैं शैलजा और जितेंद्र सिंह ने स्वीकार की कि हम सोशल मीडिया और बूथ मैनेजमेंट उसमें हम पिछड़ रहे हैं, पीछे हैं अभी, माना भी उन्होंने। लेकिन सचिन पायलट साहब को अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 3 बाई इलेक्शन में हमने जीता, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट, उनके विधायक, सांसद, जो भी नेता थे सारे, उन्हें सबने जान फूकी और जम करके वहां पब्लिक के बीच में कैंपेन किया, लेकिन चुनाव हमने जीता। यहां मैं इसे कांग्रेस का भ्रम मानू कि वास्तव में धरातली तैयारी है उस तरह की कि जो अब 3 महीने पहले दिखनी चाहिए। देखिए जो सबसे विद्वतापूर्ण बात कही है वो मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने कही है। भारतीय जनमानस का अपना वैल्यू सिस्टम है, वो तय करता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये जो उनको भेड़ समझ करके वो ढांकने का जो सिलसिला है ये बहुत बात का। देखिए 52 में देखा हमने 67 में देखा, हमने 62 में देखा, हमने 67 में देखा, 57 के बाद में, उसके बाद में हमने 70 में देखा। इश्यूज को लेकर के एक राय बनती और राय बनकर के दिया करते, लेकिन टेक्नोलॉजी के जुड़ जाने के बाद में अमित शाह या कांग्रेस के लीडर्स सोचने लगे हैं कि हम जनमानस के बीच में अपनी तरीके से बात कह सकते हैं और उससे हम प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि जब से ये स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक और ये सब सिलसिले, तो इनका भी एक नौजवानों पे जिनकी संख्या 65% मतदाताओं के अंदर तो बड़ा प्रभावी समझा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सचिन पायलट ने कहा वो मुझे लगता है कि जो जनता की ऊब का जो दृश्य है, जनता जैसे पहले कांग्रेस से उबी 4 साल तक देखते रहे और 5वें साल में इन्होंने जो फ्लैगशिप योजनाएं लगाई लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आउटराइट रिजेक्ट करके 163 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दी, जबकि ठीक से मालूम था कि इनकी जो वर्तमान मुख्यमंत्री उनके बारे में क्या 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 स्थापित था, कैसे कैसे कहा जाता था। बिल्कुल वही बात अब हो रही है कि जिस तरीके से उपचुनावों में कांग्रेस की विजय हो रही है, लोकसभा के चुनाव में विजय हुई 17 सीटें वो उस तरीके से हासिल की, उसके बाद में जो प्रोमिसेज किए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो हासिल नहीं हुए हैं। मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, छात्रों की जो समस्या है वही बात में मैं इनको उनको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ नहीं किया जाता। मतलब आपको लग रहा है कि सरकार के पीछे साथ इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम, नाराजगी है आप ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अमित शाह इस बात को स्वीकार करते हैं, राजनीति के विद्वान नहीं है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कार्यकर्ताओं को समय से पहले आगाह किया है कि हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, माउथ पब्लिसिटी होती है। जी एक बात और बोलना चाहता हूं मैं। अगर सरकार ने कुछ किया है तो वो जनता के बीच लेके जाएंगे, वो एक बीजेपी का एक जो ये अभी जीत का जो मंत्र है वो ये भी रहेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जीत का मंत्र तो उसका कमिटेड कार्यकर्ता रहा है। हाँ, उसी के कमिटेड कार्यकर्ता अब मास ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद में डाइल्यूट हो गया। संघ के कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मुझे वैसे लोग नजर नहीं आते, बिल्कुल वैसे नजर आते हैं जैसे कि फ्लोटिंग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह का अपना आकलन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता यह है कि वैल्यू सिस्टम में इफेक्टिव होगा। और जैसा राजस्थान में जो पिछले चुनाव का नतीजा है उसके बाद मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता उन सब बातों के जवाब चाहती है जो प्रोमिसेस हमारी वर्तमान चीफ मिनिस्टर ने अपने गवर्नेंस के नाम पर लोगों से किए थे और वो गवर्नेंस के नाम पर उस तरीके से एस्टैब्लिश नहीं है। तो लगातार प्रचार में जुटी हुई है, स्वयं घूम रही है, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली काम है। उसका तोड़ अगर कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाएगी तो निश्चित रूप से पुनः वो एक अकेली अपनी उन्हीं बातों के माध्यम से फिर से चीजें हासिल कर। मैं आपसे वही कह रहा था कि क्योंकि पायलट साहब जो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं लग रहा कांग्रेस को कि बाई इलेक्शन जीत गए, लेकिन बाई इलेक्शन के बाद का ये इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, बहुत सारी चीजें बदलेंगे इसमें। तो 3 इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस कहीं इस
ऐसमें तो नहीं है कि बिल्कुल हम लोग थाली परोसी हुए हैं, जनता हमारे लिए तैयार है, क्योंकि मेहनत जिस तरह से बीजेपी अभी कर रही है वो कांग्रेस खुद स्वीकार किया है शैलजा ने भी कि हम उससे थोड़ा पीछे हैं अभी। देखिए शैलजा भी राजस्थान की राजनीति नहीं जानती, देखिए जितना हम लोग जानते हैं, जितना हम लोग देख रहे हैं, हम इस ठीक से देख रहे हैं कि राजस्थान के किसान की क्या मांग है, राजस्थान के मजदूर की क्या मांग है, राजस्थान का नौजवान बेरोजगारी को कैसे भुगत रहा है। उसमें आंकड़े आप कुछ भी दे दीजिए, आप प्रचार कुछ भी कर लीजिए, और वो अगर कांग्रेस ने उसमें ढील छोड़ी और ये वसुंधरा जी को ये स्थापित करने का मौका दे दिया कि मैंने ये सब कुछ किया है, तब तो बातें बहुत अलग होगी, वरना तो परिणाम वैसे ही होंगे जैसे चुनाव में हुए हैं। तो चले मुद्दा ये रहेगा आने वाले चुनाव में कि हमने ये किया, और काउंटर कांग्रेस का ये रहेगा कि आपने ये नहीं किया, यही एंटी इनकंबेंसी होती है। अब ये डिपेंड करेगा कि करने वाले कारगर साबित होते हैं कि जो खारिज करने वाले वो हैं। लड़ाई ये रहेगी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे मुद्दे ये नहीं रहते हैं कि आपने कितनी सड़कें बनाई, कितनी बनाई, वो दिखना चाहिए। अगर आपकी सड़कें हैं, गड्ढे खत्म है, पब्लिक की साइकिल अगर उस पर से सरपट दौड़ती चलती है तो महसूस होता है कि हाँ काम तो हुआ है, स्कूल में टीचर दिख रहे हैं, स्कूल खुली है, पीने का पानी है, बिजली आ रही है, तो महसूस होता है, वो कहने भर से नहीं। लेकिन अब जो वक्त है कर गुजरने से भी ज्यादा, इस बात को लेकर के दोनों ही पार्टियों की एक्सरसाइज होगी कि हमने तो ये किया, आपने ये नहीं किया। यही प्रशिक्षण शिविर है, चाहे अमित शाह का दौरा हो या फिर शैलजा का दौरा हो, कि हम पब्लिक के बीच लेके जाएं कि गवर्नमेंट फेल कहां रही है, और इधर अमित शाह साहब कह के गए हैं कि हमने ये किया, जनता के बीच जाके ताल ठोक के कहिए। मनीष पारिक साहब, यही मुद्दा रहेगा 2018 के इलेक्शन का। नहीं, निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, प्रशिक्षण जो चीज होती है, बीजेपी के पास प्रशिक्षण का बड़ा मसौदा होता है, उसमें पंचनिष्ठाएं हैं, कार्य पद्धति है, हमारी इतिहास विकास है, हमारे महापुरुषों की जीवनी, वो चीजें होती है। मुझे नहीं पता ये कौन सा प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कांग्रेस में सब लीडर बोल रहे थे भाई अब मानसिकता बननी, हमारी सरकार आएगी, तो वो कोई प्रशिक्षण नहीं है, ये तो ज्यादा सैनी जी बता सकते हैं। तो जो कार्यकर्ता होता है बीजेपी, वो कमिटेड बनाती है उसको, और उसके जरिए पंच निष्ठाएं हैं, राष्ट्र प्रथम है, फिर लोकतंत्र है, इन चीजों को समझाती है, और उसका बाकायदा कोर्स होता है, बुक्स आती हैं और हमको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण का मतलब तो ये होता है, केवल भाषणबाजी नहीं होती है। और वो भी ऐसी बात कि जब सीटें तो जीत ही ली है, 163 बीजेपी ने व्याप दिखाया है, 11 करोड़ की पार्टी बनी है, तो ये तो पक्की बात है, गांव गांव ढाणी ढाणी में भाजपा का आधार स्तंभ खड़ा हुआ है, तो वो चीज बताने की नहीं है हमको, हमको तो उसको कल्टीवेट करने की बात है। और वो जो बड़ी बात है वो यही कि पंच निष्ठाएं कांग्रेस में है ही नहीं, कोई निष्ठा नहीं है। अगर वो कोई उनकी कार्य पद्धति नहीं, जैसे हमारे यहाँ सामूहिक कार्य पद्धति होती है, कोर कमेटी फैसला करती है, फिर उसमें हर जिले में कोर कमेटी होती है, फिर मंडल की कोर कमेटी होती है, वो लोग पांच पांच दस दस लीडर्स की टोली होती है, वो तय करती है बैठक कब होगी, और फिर वो बैठक के प्रोसीजर क्या रहेंगे, उसमें सामूहिकता बड़ी बात होती है, और उसमें जो बैठक लेने का तरीका होता है, उसमें महापुरुषों के चित्र होते हैं, प्रवास होते हैं, कार्यक्रम बनते हैं, उन सब का हमारे पास एक प्रशिक्षण होता है, वो पूरा सत्र होता है। तो बात यह है कि कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस के प्रशिक्षण की बात है, वो आप खुद वहां मौजूद रहे, आपने देखा है कि वहां उन्होंने भाषण दिए, हम ऐसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यही है जो उन्होंने ध्यान दिलाया है कि भाजपा आगे है, जैसे आपने कहा, तो बीजेपी ने बताया नहीं कभी कि हम आगे हैं, हमने काम किया। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मैंने महसूस किया नहीं कि आपने क्या नहीं, लेकिन मैं लंबे समय से एक चीज सुनता आ रहा हूं, आपने घर में भी सुनी होगी, बुजुर्ग ये कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई मूर्ख भी है और अपनी मूर्खता को पहचानता है, या अगर कोई गलत है, अपनी गलती का एहसास होता है, तो बहुत बड़ा समझदार है। वो तो ठीक करने के लिए होता ही है, ये तो सही बात है। जो प्रशिक्षण था वो शिविर में बात यही होनी थी इन लोगों की, हम कमजोर कहां हैं, हमें करना क्या चाहिए, पहले क्या किया, कहां हम लोग डिफीट खाई, अगर बाई इलेक्शन हम जीते तो क्या वास्तव में जीत हमारी मेहनत की है या जनता की नाराजगी की थी, वो तमाम जो पहलू हैं वो इनके सीनियर लीडर्स ने शेयर किए। तो सबसे बड़ी बात यही है मनीष पारिक साहब, कि अगर अपनी कमजोरी को महसूस करते हैं, मैंने वही कहा कि शैलजा अगर मीडिया के सामने खुल करके अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हैं, या जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम बूथ पे 10 बजे पहुंचेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे, वो भी यही चाहते हैं। आप लोगों की तारीफ अगर करने की होती तो उन्होंने तारीफ भी की कि बीजेपी के कार्यकर्ता को देखे 6 बजे बूथ पे होता है, हमें 6 बजे बूथ पे होना चाहिए। हम सोशल मीडिया पे बिल्कुल पंचायत स्तर तक जाएं, कोई भी बात है अगर गलत कोई बयानबाजी कर, जैसे अभी आरसी चौधरी जी ने कहा कि बयानबाजी बीजेपी की तरफ से आपके पात्रा साहब ने किया, तो उसको तुरंत काउंटर किया इनकी टीम ने। लेकिन तो राहुल गांधी जी को क्या काउंटर करेंगे, उन्होंने कहा मुसलमानों को प्रशिक्षण तो उनको देना पड़ेगा, उन्होंने सरेआम इकबालिया बयान दिया संसद में कि हाँ मैं आपकी नजर में पप्पू हूं। तो अब ये कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं दूसरे दिन कि मैं अगर कोई ऐसी बात करेगा ना शशि थरूर, तो मैं उन पर एक्शन लूंगा एज ए प्रेसिडेंट। तो कार्यकर्ताओं को लगता है कांग्रेस के
कि जो ये गलती कर रहे हैं वही एक्शन लेंगे, पहले अपने आप को तो ठीक करें, उनके मन में आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे बोलेंगे मानेंगे, परंतु जो उनके सामने फिक्स खड़ा हुआ है, दुविधा खड़ी है, वो ये कि अगर कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बोलेंगे आप तो फिर हिंदू वोट नहीं देंगे। अगर ये बात मानते हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा मैं पप्पू नहीं हूं या हूं, तो इसकी जरूरत क्या है? अगर आप उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं और वो भी संसद में कर रहे हैं भारत की, तो उसके बाद बचने को कार्यकर्ता को भी बचता ही नहीं है। मनीष पारिक साहब, देश शिक्षण में बहुत जरूरत होती है। पप्पू कैसे रहे, क्या रहा, उसका भी किस्सा देश भर ने देखा। आपके मेरे कहने से या हमारे पैनल के कहने से नहीं, किस संदर्भ में कैसे राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो सकता है कि चुनाव के दरमियान इसे भुनाने की कोशिश की जाए। मैं आरसी चौधरी साहब के पास में जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, मेरा मनीष जी से भी सवाल यही था, लेकिन मनीष जी अभी भी यहां एक ये बड़ी बात भी रहेगी, प्लेटफॉर्म रहेगा आप लोगों का। आप लोग खुश होंगे कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी खुश है कि कांग्रेस क्या कर रही है, लेकिन जो लड़ाई मूल होगी वो मुद्दों से ज्यादा इस बात का मुद्दा होगा कि आपने ये नहीं किया, ये कहेंगे ताल ठोक के हमने ये किया। तो यानी कि डू एंड डिड नॉट, दोनों से क्या, दोनों के बीच में यही संघर्ष रहेगा कि हाँ इन्होंने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने किया। तो कैसे इसको आप पब्लिक के बीच कैसे लेके जाएंगे? योगेंद्र, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो इस देश का, इस प्रदेश का मतदाता है, और उस मतदाता तक आप क्या पेश कर रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। गहलोत साहब की जो सरकार थी, हमारे तमाम जो लोक कल्याणकारी नीतियां थी, उन्होंने लोक कल्याणकारी नीतियों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान है उन्होंने कहा था कि ये दवा के नाम पे जहर बेच रहे हैं। उन्होंने इतना इस प्रदेश के लोगों को बरगलाया, और एक आम आदमी जिसको सबसे बड़ा भय ये लगता था कि अगर मुझे किसी भी जिला मुख्यालय पे, किसी संभाग मुख्यालय पे या SMS जाना होगा तो मेरा तो घर लूट जाएगा, जमीन बिक जाएगी, तमाम लोग चिंता की श्रेणी में आ जाते थे। उसको एक सुरक्षा का भाव दिया और उन्होंने कहा कि दवा के नाम पे जहर बेच रहे हैं, ये उन्होंने बड़ा कुप्रचार किया। उन्होंने कहा कि आज वर्धन को जो पेंशन दे रहे हैं, जो एक अपने परिवार के बच्चों की तरफ जो मोहताज थे, उनको हमने एक सुरक्षा का भाव दिया। कितनी भी सब चीजें परिस्थितियां विपरीत रही, लेकिन प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करने में हम कहीं कतई पीछे नहीं रहे। लेकिन कुप्रचार चलाया, कुप्रचार क्या चला, कांग्रेस के नेताओं का परिवार क्या रहा था, वो उनके वंशज कौन थे, नेहरू जी की भांजी और नेहरू जी की जो बहन है उनके साथ में अगर तस्वीर होती है तो उसे नेहरू जी को एक अयास के रूप में पेश किया जाता है। जब राहुल गांधी जी चुनावी सभा के अंदर ये कहते हैं कि यहाँ पे हम आलू की एक फैक्ट्री लगे जिससे चिप्स का उत्पादन हो, मैंने जो सवाल किया, क्योंकि मेरे जो मूल सवाल का जवाब मनीष पारिक साहब भी नहीं दे पाए, वो भी कांग्रेस के उसमें खो गए, आप बीजेपी में खोते जा रहे। मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है कि आप लोग, जैसे अभी आपके नेताओं ने कहा कि हमें सरकार की कमजोरियां, हमारा जो वजूद रहा, हमने पब्लिक के लिए क्या किया, उसको ताल ठोक करके कहिए, आप लोग इस पे जाएंगे या ये कहेंगे कि राहुल गांधी के लिए इन्होंने ये बातें फैलाई, मुस्लिम हिंदू के लेकर के ये बातें फैलाई, आप अपनी बात कहेंगे, ये बात तो पब्लिक खूब जानती है किसको क्या करना, आप अपना एजेंडा क्या लेके जाएंगे? योगेंद्र जी, जो आप बात करें, एक नए राजस्थान का निर्माण, नए राजस्थान के अंदर क्या हो, जहां पे किसान को उसका सुरक्षा का भाव मिले, जो शिक्षित जो युवा है उसको उसका रोजगार मिले, यहाँ पे जहाँ महिला है उसको सुरक्षा मिले, जहाँ वंचित और एक गरीब तबका है उसको भी इस प्रदेश के अंदर समभाव मिले, समान नजरों से देखा जाए और समान उसको सुरक्षा का भाव मिले। आज इस प्रदेश के अंदर जो भय, अराजकता, अपने आप में असुरक्षा का जो भाव है, गिरती हुई उसकी पारिवारिक स्थितियां हैं, जिस प्रकार से रोजगार खत्म हो रहे हैं, तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच में इस प्रदेश को नव राजस्थान निर्माण के लिए हम लेके आगे जाने का संकल्प है। हमारे पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, उन्होंने 4.5 साल तक इस प्रदेश की जनता को आवाज देने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी आके और कार्यकर्ताओं में ये ट्रोल करना है आपको, ये किराए के लोगों के बीच में नहीं किया, अगर पाकिस्तान की सीमा पे अगर दलित लड़की के साथ में दुष्कर्म कर दिया जाता है तो उसके भी घर पे जाके उन्हें उसकी लड़ाई लड़ी, और किसान की लड़ाई हुई तो पैदल चल के लड़ाई लड़ी, और तमाम जो वर्ग की जो लड़ाई है पार्टी ने लड़ती रही इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ में, उसके सुख और दुख के अंदर कांग्रेस पार्टी से भागीदार बनी है, उसकी आवाज बनी है, और ये आधार रहेगा आप लोगों का चुनाव के लिए, आधार रहेगा। ओम सनी साहब के पास में जाऊंगा मैं। ओम जी, दो बातें होती हैं, आप अगर अपोजिशन में होते हैं तो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जैसे आप सत्ता में होते हैं तो डिफेंसिव होते हैं। आप अगर ये बात कहें, आज चाहे अगर कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार, आप बहुत ज्यादा दिन तक ये नहीं कह सकते कि आपने ये नहीं किया, हमने ये किया, उन्होंने ये नहीं किया, आप तुलना नहीं कर सकते। जो सरकार होती है आपको आपका काम गिनाना चाहिए, जो पब्लिक को दिखना भी चाहिए, गले तभी उतरेगा जब किसी को एहसास हुआ हो कि हाँ बिल्कुल काम हुआ है। इसी तरह से कांग्रेस इस वक्त एग्रेसिव मूड में होनी चाहिए, लेकिन मैं एक अंतर देख रहा हूं कि 2013 के दरमियान
जिस तरह से बीजेपी अशोक गहलोत ने काम किए, फ्लैगशिप योजनाएं लेके आए, लेकिन जो एग्रेसिवनेस उन लोगों की थी उसके आगे सारे खारिज कर दिए गए, क्या कांग्रेस बीजेपी पे इस तरह के आक्रमण कर पा रही है? देखिए, मामला इससे आगे बढ़ गया है। पिछले चुनावों में तो ये कंपैरिजन और शहर मात के उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मात का रास्ता दिखा दिया, उसके बहुत सारे कारण रहे। लेकिन अब मामला दूसरा हो गया कि मतदाताओं को किस तरीके से अपने उसमें लिया जाए। तो मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रही है कि तुष्टिकरण की नीति को लेकर के फिर चल रहे हैं, ये अपने आप को अल्पसंख्यकों तक सीमित रखने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस इससे कहीं आतंकित होती है लेकिन उसका जवाब इनके पास में भी ये भी दे रहे हैं, लेकिन ये उसी पर ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को भी पार्टी करार दे दिया जाए ताकि जो बहुसंख्यक हैं उनसे खफा हो जाए। तो ये अपने आप में इसके लिए फिर जितनी टेक्नोलॉजी इनके पास में है, दोनों पार्टियों के पास में, उसके माध्यम से लोगों के बीच में जाकर के अपनी चीजों को स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे लोकसभा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया और जिस तंज के साथ में उन्होंने सारी बातें कही, तो जुमले में सारी बात अपनी कह करके और वो हो गए, वो सब क्या थे, ये हतप्रभ हो गए। तो ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई भी होगी और साथ साथ में इनके पास में जो भारतीय जनता पार्टी की में हथियार है कि कांग्रेस एक तुष्टिकरण की नीति अपनाती रही है, प्रारंभ से अपनाती रही है, उसी तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एक खास किस्म की राजनीति करते रहे जो अपने आप में अल्पसंख्यकों को मतलब कमजोर कर रही है। तो ये सब बातें होंगी, लेकिन इससे नहीं, संगठन के स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो संगठन के स्तर पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव हो रही है उसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि शैलजा का स्टेटमेंट या भंवर जितेंद्र सिंह का स्टेटमेंट, ये लोग बाकायदा एक्टिव रहे हैं और उसका अर्थ निकलता है। ये तो शायद मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी कमजोरियों का खुलासा ये कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि टक्कर अब बड़ी शानदार है और एक तरफ मुख्यमंत्री अकेले सब सिलसिले लेकर के यात्रा जो कर रही है उसका मुकाबला कैसे करेंगे, सवाल ये होना चाहिए। क्योंकि वो तो लगातार, क्योंकि वो 36 जातों की बात करती है, हर जाति को अपने साथ में मोहने की चेष्टा करती है, इनके पास में वो सब बातें मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही। तो वो मैंने वही आपसे कहा कि क्या उसी तरह की एग्रेशननेस, यानी कि हमले जो करने वाली कांग्रेस दिखनी चाहिए, उस मोड में 3 महीने पहले जो बीजेपी थी वैसी दिखाई नहीं दे रही। अभी वो एग्रेसिवनेस होनी चाहिए, केवल एक बस प्रेस रिलीज वाले बयान नहीं, अब दिखना चाहिए कि अगर सरकार ने काम नहीं किया तो जनता के बीच वो हौला होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल यहाँ फेल है सरकार, हम आपकी आवाज बन रहे हैं। चलिए छोटे से ब्रेक रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इसी मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और बीजेपी के हाल ही में हुए कार्य समिति। चुनाव सामने हैं, दोनों ही पार्टियां एग्रेसिव हैं, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा कि ब्रेक से पहले बात तो निकल करके आ रही है, वो ये है कि अमित शाह जो गुरुमंत्र दे के गए हैं उनका साफ कहना था कि हमने 90 काम किए हैं, कोई भी सरकार 10 काम नहीं भी कर पाती है, लेकिन ये नहीं कि 10 काम 90 काम पे भारी पड़े, आपको इसका तोड़ निकाल करके जल्दी जाना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में थी, उससे बाहर निकालने को आगाह किया है कि हमारी ये कमजोरी है, चुनाव में दिखनी भी चाहिए, उसको दुरुस्त कर। साथ ही एक पूरा कैंपेन किस तरह से चलेगा, सोशल मीडिया पे कैसे मजबूत बने, अगर कोई फालतू की चीजें आती हैं तो उसका आप लोग खंडन करें, उसको पूरी तरह से मुकाबला करें। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने आ रही हैं और यही चुनाव का आधार रहेगा। मनीष जी, अभी आप बात कर रहे थे सोशल मीडिया से लेकर के तमाम पहलुओं की, और यहाँ पे कमजोरी की जो बात आ रही थी, अभी आपने कहा कि इनके तो पार्टी के नेता ही खुद ही कह रहे हैं कि कमजोर है, लेकिन आपको ध्यान है यहाँ तो मीडिया को अलाउ कर दिया था, अमित शाह साहब के अल्फाज जो चल रहे थे तब तो उस वक्त थे, लेकिन हमें भी जो जानकारी मिली है अंदर बैठे लोगों से ही, बूथ मैनेजमेंट को लेकर के चर्चाएं कितनी आपकी, अगर वास्तव में ये अमित शाह इस बात को पूरी तरह से कैरी करके गए हैं तो निश्चित रूप से 3 जो बाई इलेक्शन हारने का कारण उनके समझ में आ गया। वो मीटिंग छोड़ के भी चले गए थे बीच में, और ये कह करके किस तरह का बूथ मैनेजमेंट और सामने चुनाव है, तो कमजोरी आपके यहाँ भी बहुत है, इतने थोड़े करना, इतनी सारी चीजें
डेली आपकी मीटिंगें होना, बूथ से लेकर के कितने प्रशिक्षण शिविर हैं, और आपकी पार्टी अध्यक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाई तो कितनी कमजोर कड़ी होगी चुनाव के लिए आपका बूथ मैनेजमेंट? वो तो माननीय अध्यक्ष जी हमारे जो अमित शाह साहब है, वो पांच मीटिंग उन्होंने ली, तो पांचों मीटिंग में अलग अलग बात की है, अलग अलग लोगों से मिले, पहले सांसद विधायक बैठक में अलग बात की है, पालकों की बैठक की बात कर रहा हूँ कि जो कोर कमेटी से ठीक पहले की बैठक थी, मैं उस बैठक की बात कर रहा हूँ जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, और मैं रिपोर्ट मैं यहाँ पे बता नहीं सकता ना, क्रॉस चेक मैंने पांच कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से क्रॉस चेक किया कि वास्तव में अमित शाह साहब इस तरह से नाराज हुए थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की किस तरह का बूथ मैनेजमेंट होगा, तो आप इसको स्वीकार करिए, क्योंकि मैं आपसे सवाल सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि अभी आपने हमला बोला कि कमजोरी कांग्रेस अपनी तय कर रही है, तो चुनाव में कैसे हमला नहीं है। मैंने तो ये कहा कि उन्होंने प्रशिक्षण के नाम पे ये बोला है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ प्रशिक्षण के लिए तो एक सेट कोर्स होता है, सिलेबस होता है, वो बता रहा था मैं इस बारे में नहीं हूँ, कांग्रेस अपनी गलती मानती है कि बीजेपी अपनी मानती है, वो तो गलती ठीक करने की पहली कड़ी यही है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जैसा बूथ के बारे में आप बता रहे हैं, अल्टीमेटली ये बात सही है कि जो फोन नंबर चेंज हुए उसके कारण बहुत क्लिमसी आई और उसके कारण प्रॉब्लम भी आई कि कई लोगों ने अपने नंबर परिवर्तन कर लिए, तो जो बूथ अध्यक्ष थे वो नए नंबर वहां पर मंडल अध्यक्ष के पास नहीं थे, तो वो जब जांच किया गया तो वो नहीं मिले, ये बात पहले खबर छपी, ये बीजेपी ने माना था, और उसके बाद में आपने देखा कि बूथ प्रबंधन के लिए अलग विषय बनाया, बूथ के लिए घर घर गए। लेकिन विस्तारकों की बाइक का क्या हुआ? विस्तारकों को बाइक भी आप लोगों को देनी थी, अमित शाह जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि हमें विस्तार, क्योंकि देखिए बात सही है कि जैसे अभी ओम भी कह रहे थे, आज भी कांग्रेस के पास चाहे 70 साल की कांग्रेस हुई हो, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1980 से जो बीजेपी का गठन हुआ उसके आगे कोर वर्कर्स जो है, आज भी संघ की पृष्ठभूमि के जो कार्यकर्ता लगते हैं वो भूखे रखे भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भी जो आइडियोलॉजी और वर्कर्स की टीम बची है, बेशक राजस्थान में कॉमरेड कम हो लेकिन उनके भी वर्कर इसी तरह से दिखते हैं, जब दिखते हैं तो ऐसे संघ के कार्यकर्ता दिखते हैं, अगर उनको दी जाती है जिम्मेदारी वो निष्ठावान होते हैं, लेकिन अगर आज बीजेपी में आपकी पार्टी में, बीजेपी की मैं बात इस वजह से कर रहा हूं कि एक संघ का खांचा एक अलग है, लेकिन कांग्रेस से या दूसरी पार्टियां जो छोड़ के आए वो युक्त हो चुके हैं, वो ओरिजिनल बीजेपी की आइडियोलॉजी के लोग नहीं है कि विद्यार्थी परिषद से निकल के आए हैं या किसान संघ से निकल करके आए हैं या फिर भारतीय मजदूर संघ से निकल करके आए हैं, बहुत कम लोग हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर्स बहुत सारे आ गए आपके यहाँ पे, तो कांग्रेसकरण आपके यहाँ भी हो चुका है, तो इससे खारिज नहीं कर सकते हैं, अब ये कहें कि कांग्रेस से हम अलग हैं वो बातें नहीं है, तो यहाँ जो एक फिक्र की बात है वो अमित शाह ने इस बात को पहचाना है कि अगर हम बूथ पे मजबूत नहीं रहेंगे तो होगा क्या, तो आपका तो बूथ मैनेजमेंट का बहुत लंबे समय से ये सारी चीजें चल रही हैं, कितने आपके प्रशिक्षण होते हैं, कभी पार्टी स्तर पे राजस्थान की इकाई ने इस बात को पहचान नहीं कि हम कमजोर कहाँ पे हैं? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि फोन नंबर चेंजेस होने के कारण ये बात आई थी और उसका आपने देखा कितना सटीक जवाब ढूंढा गया, उसके लिए योजना बनाई गई, अभियान चलाया गया, और आपने देखा अमित शाह जी को जवाब देने के लिए, नहीं अभी जो आपने देखा बूथ प्रभारी बनाए थे और सब विधानसभाओं में एक एक बूथ प्रबंधन के लिए इंचार्ज बनाया, वो सब 15-15 दिन वहाँ प्रवास किए और दोबारा से वो सब फर्निश करके लाए हैं, जो भी वहाँ नाम थे नए बूथ अध्यक्ष बन गए हैं, और उनके 20-21 लोगों की समिति जो पहले 11 थी, फिर 15 हुई और अब 21 हो गई, वो समिति पूरी फर्निश की है, उसमें भी 80% काम पूरा हुआ है, जो कुछ सदस्यों के नाम बाकी हैं उसके लिए भी टाइम तय किया गया है कि वो 31 जुलाई तक पूरे करके देने हैं, तो लगातार उस पर हैमरिंग चल रही है, और यही कारण है कि हम 80% तक जैसे आए तो 31 जुलाई या 1 अगस्त तक हम पूरी उस पर आ जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये भी लगातार हैमरिंग का परिणाम है, और जो कोई पहले चलिए मैं एक सेकंड ओम सैनी साहब के पास जाऊंगा, क्या लग रहा है ओम जी, दोनों हमारे नेता बैठे हुए हैं, इनके बातों से अभी तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां कांच के महल में बैठी हुई हैं। नहीं देखिए योगेंद्र जी, एक बात मनीष जी के लिए मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि मनीष जी इस बात को तो स्वीकार है कि जो बुनियाद है वो संघ का बुनियाद बड़ा स्ट्रांग है, वही सबसे बड़ी मददगार रही है, और जिनको अभी आप जिनको राजमंदिर में बिठा करके आप 5-स्टार कल्चर के जो लोग आए हैं वो पार्टी का दम नहीं है, दम तो संघ में ही है, संघ के कमिटेड वर्कर्स, मास ऑर्गेनाइजेशन के कमिटेड वर्कर्स, वो जब आगे आते हैं तो मजबूत होती है पार्टी और अर्थ निकलता है। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के बारे में इस तरह का आरोप भी ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भी अपने जन संगठन है, सेवा दल है, NSUI है, महिलाओं का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, किसानों का संगठन है, उनके बीच में काम करते हैं, ये हो सकता है कि वो एग्जिबिट नहीं होता उस तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एग्जिबिट होता है, तो मुकाबला तो बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है,
मुकाबला तो निश्चित रूप से तैयार होंगे जो क्राउड है, लोग आए हैं, लेकिन साथ साथ में ये महत्वपूर्ण है कि इनको जितना एग्रेसिव नजर आना चाहिए वैसे एग्रेसिव अभी नजर नहीं आया। और जो कार्यशाला है ये ओपन है, ये ओपन है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनके बीच में क्या चर्चा हुई, कैसे हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशाला अमित शाह जी के बीच में हुई वो ओपन नहीं थी, हम ये भी अंदाज नहीं लगा सकते किनके क्या रिएक्शंस थे, हमें छिपे तौर पर ही ये पता लगा कि किसके क्या रिएक्शन थे। तो उस तरीके का खुलापन पार्टी में जो रहा करता था भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं नजर आ रहा। एक छोटी सी बात और मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जो शब्दों से बात चली सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के बीच महसूस होता है कि अभी डिफरेंसेज हैं, क्योंकि उस मंच से जब अशोक गहलोत ने ये बात कही कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में एक बार फिर दोहराया उन्होंने कि मीडिया के लोगों से मुलाकात होती है, मीडिया के लोग मुख्यमंत्री के ख्वाब देखा देते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही सोचना शुरू कर देते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा मैं। तो ये बातें प्रशिक्षण शिविर के दौरान वो सचिन जी को दुरुस्त करना चाह रहे थे, कांग्रेस को दुरुस्त करना चाह रहे थे, इनके क्या मायने हैं इसके? मेरे ख्याल है कि राजस्थान के संदर्भ में सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत के बारे में जब चर्चा होती है तो निश्चित रूप से बात कुछ ऐसी बन जाती है जिससे लगता है कि अशोक जी गहलोत यहाँ के क्या कहते हैं इस प्रदेश के चीफ बनना चाहते हैं और वो इस मौके की तलाश में। लेकिन और भाषा का जिस तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल होना चाहिए उसमें से कुछ ना कुछ स्लिप हो जाता है और हम लोग अर्थ लगा ही लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत को जिस तरीके से राष्ट्रीय जिम्मेवारी सौंपी गई है, संगठन का मंत्री बनाया गया है, सारे संगठन बनाने की जिम्मेवारी दी गई है, तो वो इतनी छोटी बात नहीं सोचते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा अर्थ लगा लिया जाता है। और आज मैंने देखा जवाब में सचिन पायलट ने कहा भी है ये बात, उन्होंने साफ कहा है कि मैं पहले से सावधान हूं और चार पांच लोग जो इस तरह के चढ़ाने की बात करते हैं उन्हें पहले सप्ताह ही दूर कर चुका हूं। यानी कि वो साफ कह चुके हैं कि मेरी कोई कमजोर कड़ी नहीं है और मैं बिल्कुल तैयार हूं, ये माना जा सकता है? मैं निश्चित रूप से ये सचिन पायलट के आज के बयान में देखता रहा हूं, पूरी वो कार्यशाला देखता रहा हूं, मुझे ठीक रूप से लगा कि आज जिस तरीके से उनका जो भाव प्रकट हुए हैं वो उसमें उतने तंज नहीं थे और अब वो कलेक्टिवली सोचने की मनस्थिति और एक्टिंग में आने लगे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि शैलजा जी ने या भंवर जितेंद्र सिंह ने जो बोला वो सचमुच में राजस्थान के इस सारे माहौल को समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल अगर वो लोगों के बीच में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इसीलिए वसुंधरा जी ने किसी पे नहीं छोड़ा है, स्वयं निकल रही है यात्रा के ऊपर, वो जानती है कि अगर छोड़ दिया तो जो मास ऑर्गेनाइजेशन बना ये मदद नहीं करेगा, संघ मदद कर सकता है, संघ के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता आगे आ सकते हैं, वो एक अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों नेताओं के जो बयान है ये देखिए समाचार पत्रों में कोट भी होंगे और इंटरेस्टिंग भी रहेंगे, तो ऐसे में गुटबाजी तो खारिज नहीं हो पाई इस तरह के प्रशिक्षण शिविर से? देखिए भारतीय कांग्रेस के अंदर ये बड़ा स्वाभाविक है, 57 से है। देखिए यहाँ पर कोई भी ताली बजाने नहीं आता, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी एक सहरा हासिल करना चाहता है। तो आप समझते हो कि भारतीय यूं आप समझ लें कि साहब वो सहज रूप से आकर के चले जाए तो हर आदमी चाहता है कि अगुवाई वो करे, नेतृत्व तो उसे हासिल हो, वाह उसकी हो। तो ये जो दबी हुई इच्छा है अभिव्यक्त हो जाती है तो फिर दुख नहीं देती है। अगर दबे कल्चर में हाँ कल्चर शुभकामनाएं आरसी चौधरी साहब को मेरी तरफ से कि आप भी इस महत्वाकांक्षा को पाल के रखिए और बिल्कुल निश्चित रूप से जब तक ख्वाब नहीं देखेंगे तो आदमी आगे भी नहीं बढ़ सकता, सच्चाई है, इसमें कोई बात भी नहीं और होने भी चाहिए। राजनीति में मुझे किसी एक व्यक्ति से मैंने पूछा था कि आप भी टिकट की दौड़ में है कि पहले दो बार एमएलए रह चुका हूं और टिकट की दौड़ में निश्चित रहूं, जब राजनीति में आया हूं पैसा बर्बाद कर रहा हूं तो धुना तपने तो मैं आया नहीं हूं। मतलब बहुत अच्छी बात आपने सटीक बात कही है। बीजेपी के नेता थे चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपकी पार्टी के दोनों नेताओं के मैंने बयान को ओम सरिसा भी सभी मैंने जाना, ये कुछ इस तरह को इंगित करता है, बेशक अपनी अपनी बातें कहने कही होगी उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी दोनों के बीच डिफरेंसेज हैं और कहीं गुटबाजी कांग्रेस की खत्म नहीं हो पा रही है। तो इसमें इस तरह से आप कैसे, जब आपस में कांग्रेस उलझी होगी तो मुकाबला कैसे होगा? योगेंद्र जी आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी का पदाधिकारी कर रहा हूँ जिस पार्टी अपने आप में कभी इस बातों की चर्चा नहीं करती लेकिन संस्कार की बात करती है। संस्कार की बात क्या होती है कि आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आप पूरे परिवार का दायित्व आपके है, उसके बावजूद भी आपके जो अभिभावक हैं वो निश्चित रूप से आपकी चिंता करते हैं और समय रहने पर आपको ये बार बार कहते हैं बेटा कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी और अशोक गहलोत जी ने का जितना राजनीतिक जीवन है उतना सचिन पायलट जी की उम्र है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस प्रकार से कर देते हैं और तब आदमी क्या है अपने कार्य से थोड़ा सा विचलित हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने बातें कही और उनका पायलट साहब ने जवाब दिया तो निश्चित रूप से दोनों की एक ही इच्छा है कि इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने जो इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का जो दंश झेला है
वो हमारी प्राथमिकता है और इस प्रदेश को इस किस प्रकार से इस दंश से मुक्त कराया जा सके। ये जो चुनाव है ये चुनाव किसी एक राज्य की सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव है इस राज्य की जनता की, जनता के सम्मान के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए और एक विकसित राजस्थान के लिए ये चुनाव है। छोटा सा मेरा सवाल है यहाँ पे आपसे, अशोक गहलोत साहब ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि ये देश के लिए एक तय कर देश की दिशा तय करने वाला चुनाव होगा और ये चुनाव पहले के चुनाव से बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, तो चुनाव तो हर ही महत्वपूर्ण होते हैं, अब की बार का चुनाव कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए चुनाव कोई महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव से, ये जो चार राज्यों की जो चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव से जस्ट पहले चुनाव, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव होना है। इसी लोकसभा के चुनाव जब 2013 का जब यहाँ के नतीजे 163 सीटें आई और उसके बाद में राजस्थान में पहली दफा जो जितनी जो बातें कही 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत के भेजी थी, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक माहौल बनता है जहां चार राज्यों के अंदर सरकार की अगर पुनरावृत्ति होती है, सरकार के मुद्दे अगर सामने आते हैं तो निश्चित रूप से लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं कि आखिर क्या वजह थी जहां पे 163 विधायक थे, 25 सांसद थे, आज उस सरकार को उस प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इसलिए जरूरी है कि आने वाले 2019 के चुनाव की रणबेरी, ये जो चुनाव है उसका नतीजे निश्चित रूप से उसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। जी मनीष जी, ये कांग्रेस का जो बयान है कि ये चुनाव डिफरेंट होंगे और देश की दिशा तय करेंगे, अब देश को बचाने के चुनाव है, अगर हम लोग इसमें अगर हमने कोई अगर तैयारी पूरी नहीं की या फिर अगर पार्टी को मजबूत तरीके से या कार्यकर्ता जनता के बीच अपनी बात नहीं लेकर के जाएंगे तो देश की दिशा बदल जाएगी, हमें उस देश के उस दिशा को रोकना है जो मोदी साहब ले जाना चाहते हैं, यानी सीधा हमला है कि सांप्रदायिकता का दंश देश को नहीं झेलना पड़े, ये सीधा हमला बोला है कि सांप्रदायिक ताकतें हैं। उन्होंने मॉब लिंचिंग का मामला भी, अलवर का जिक्र किया और भी जिक्र किया, उन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जिसको लेकर के तो अलग दिशा का चुनाव बता रहे हैं, तो अलग दिशा कांग्रेस अभी कह भी रहे हैं, अभी आरसी चौधरी साहब को सुना है कि अलग दिशा का 23 मायने होगा कि जिस तरह से सरकार बनाने के लिए झूठ बोला गया या जुमले कहे गए, आपने देखा इस पूरे डिबेट के दौरान जो कांग्रेस आप लोगों पे हमला पूरे इनके नेताओं ने भी बोला और जो अभी आरसी चौधरी भी कह रहे हैं, तो कांग्रेस का भी एक प्रचार का एक एजेंडा होगा ये, और ये मैंने आपको पहले बताया, आप भी जानते हैं कि आप लोग इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में, क्योंकि सरकार आपकी आपकी जवाबदेही है अभी कि हमने ये किया है, आप ये बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया या सोनिया गांधी ने ये किया, मनमोहन सिंह ने ये किया, ये तो सारी चीजें जनता पहले ही रिजल्ट, तभी तो आपको बैठा है वहां पे। नहीं योगेंद्र जी, बात वही है कि जो ग्रोथ रेट बढ़ गई है, आय बढ़ गई है, हमारा विदेशी मुद्रा कोष बढ़ गया है, जो आयात की बजाय निर्यात बढ़ गया है, ये तो लोग देखते ही हैं। तो और दूसरी बात, जो पहली बार वन रिंग वन पेंशन आई है, तो सैनिकों को लगा है, किसानों का 50,000 का कर्जा माफ हुआ है, यूरिया की जो प्रॉब्लम आती थी वो अब खत्म हुई है क्योंकि नीम कोटेड यूरिया आया है, ये क्रांति तो आई है। दूसरी बात, जो बातें और थी कि घर घर में गैस के चूल्हे पहुंच गए हैं, 5 करोड़ 7 करोड़ अपने शौचालय बन गए हैं, 28 करोड़ जनधन खाते खुल गए हैं, ये सब चीजें हैं जो परिवर्तन आई है, ये चुनाव अलग तरह का है। यहाँ पर भी आपने देखा राजस्थान की देखेंगे अगर आप, तो किसानों के 50,000 के कर्जे माफ करें तो 1.5 गुना समर्थन मूल्य उनको दिया है, नई लहसुन की और मूंगफली की मंडियां बनाई है, तो ये किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है, सब लोगों को राहत मिली है। और ऐसे ही जो आप बात करेंगे ग्रामीण गौरव पथ पे, तो 7-9 हजार ग्रामीण गौरव पथ बन गए हैं, जहाँ पे पहली बार की सड़क किसी ग्राम पंचायत में आई है, 700 से ज्यादा हमने अगर आरओ प्लांट लगाए हैं, तो 14,000 गांवों को पीने का आरओ का पानी मिला है, जहां पर बरसों से दांत काले होने वाली जो फ्लोराइड की समस्या थी वो बरकरार थी। तो फ्लोराइड यूनिट लग रही है, सरकार लगा रही है, 2,500 दे रहे हैं, पढ़ती है तो साइकिल दे रहे हैं, फिर स्कूटी दे रहे हैं, फिर लैपटॉप दे रहे हैं, उनको दूध पिला रहे हैं बच्चों को, योजनाओं को लेकर जाओगे आप, है ना? नहीं, कांग्रेस पार्टी के सामने मुसीबत यह है कि बीजेपी ने कोई जगह नहीं छोड़ी है, नहीं है आपकी योजना अभी, इसमें कोई बात नहीं है कि 163 MLA हमारे मैदान में है सर, नई बात चुनाव और इनके है नहीं, इनको पता नहीं है कौन लड़ेगा, उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर आरसी चौधरी हूँ और मैं यहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले से MLA बना बैठा है
और अगर ये जाके फतेहपुर से लड़ते हैं कि नवलगढ़ से लड़ते हैं, इनको बताना पड़ेगा। और वहां बीजेपी का एमएलए पहले से बना हुआ है, तो वो तो काम कर रहा है, 1000 करोड़ का काम उसने कराया है, 700 करोड़ का काम कराया है। सतीश पूनिया भी तो आमेर में विधायक के जैसे काम कर रहे हैं, वो चुनाव हार गए तो भी उन्होंने 600 करोड़ की सड़कें बनवा दी है और हर पत्थर पे उनका नाम है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो हारा है वो भी जीता है, वो भी मैदान में लड़ रहा है। आपको लगता है अगर वो लगता है कि कोई ठीक व्यक्ति नहीं है, जीत नहीं सकते, एक बात सुनिए, एक बात लगा देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग चाहे राजनीतिक बयानबाजी करते हो, और ये बात सही है कि पूरे काम कभी नहीं हो पाते हैं, काम हर सरकार करती है। आज जो देश का या इतना बड़ा विकास का जो ढांचा खड़ा हुआ है, राजनीतिक बयान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सरकारों ने प्रदेश में भी काम किया है और केंद्र में भी काम किए हैं। जब भी हमारी यहाँ चमकती सड़कें दिख रही हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, एक भरोसा जो लोग करके आते हैं, वो 70 साल का एक सफर है, उस पर किया हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां मेरी बात इतनी सी है कि विकास योजनाओं का जो लंबी फहरिस्त है, पिछली बार भी फ्लैगशिप योजनाएं काफी सारी तैयार की, अशोक गहलोत लेकर के गए, निःशुल्क दवाई की बात हो चाहे और कई चीजें बात हो, वो लेकर के, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है आप लोग ऑपरेशन फ्री में कर रहे हैं? आपके दावे को मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि ऐसा क्या करोगे आप लोग कि जो अशोक गहलोत ने भी किया, अशोक गहलोत अपनी बात या तो पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे, आपके पास अभी कह रहे थे जो नीचे के बेस के कैडर कार्यकर्ता हैं वो पहुंचाएंगे आपके पास है। एक बात, वो पूरी टीम है और 10 लाख लोगों की, अगर आप पदाधिकारी दायित्ववान बूथ तक हैं, हाँ। तो 10 लाख लोगों की ये टीम है और इधर फ्लैगशिप योजना है, विकास का काम है, इधर हाँ। मोदी जी का नाम है, वसुंधरा जी की मेहनत है, आप देख रहे हैं। तो ये चारों चीजें, पांचों चीजें मिलकर बीजेपी जी के विजय का रास्ता प्रशस्त करेंगी। बात सही है। चलिए मैं आरसी चौधरी जी के पास में जाऊंगा। हालांकि सचिन पायलट इस बात का जवाब इस तरह से दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बाइलेक्शन में बूथ पालक भी थे, पन्ना प्रमुख भी थे, वसुंधरा जी की पूरी टीम थी, कोर कमेटी भी थी, पूरा हर तरह से जो तंत्र काम ले सकते थे, लेकिन फिर भी हम जीते। वो कांग्रेस को एक भरोसा है। आरसी चौधरी साहब, ये भरोसा जो आप लोगों का है, ये कहीं अभी वैसे स्टैंड तो नहीं कर रहा थी उत्साह के रूप में या भ्रम में कि बिल्कुल हम उस दिन के बाद में इस तरह से चलिए ठीक है, जनता बिल्कुल हमारे लिए तो तैयार है। और दूसरी बात, विकास की जो योजनाएं हैं, ये आपने सुना, अभी मेरा तो सवाल था साफ है कि आप लोगों ने भी काम किया लेकिन आप बुना नहीं पाए। बीजेपी का साफ एजेंडा है कि हम विकास, हमने जो किया उसको कैसे बुनाएंगे, और यही अमित शाह कह के गए इनको कि आपने अगर कुछ किया है तो जनता के बीच जाके कहिए कि हमने ये किया है। आप लोग उसमें फेल रहे, या तो उस वक्त बता नहीं पाए लोगों के बीच में कि हमने निःशुल्क दवा लेकर के आए हैं, कि हम निःशुल्क जांच लेके आए हैं, कि जो भी कुछ योजना है, तो आपसे थोड़ा सा डिफरेंट करके चल रहे हैं। इनको एहसास है कि पिछली बार भी सरकार ने काम किया लेकिन जनता ने वोट कास्ट नहीं किया, अब ये उस काम के बदले जनता से वोट भी लेना चाहते हैं, ये अंतर महसूस हो रहा है। योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने जब 2014 के चुनाव में हमें करारी शिकस्त मिली, 50 की 50 लोकसभा सीट हार गई, उसके बाद 25 की 25, उसके बाद में भी हम यहां से इस प्रदेश की जनता की आवाज बन के सदैव खड़े रहे। हमें सीटें मिली या न मिली, जिन मतदाताओं ने हम पे भरोसा किया था उसके भरोसे के ऊपर हम इस प्रदेश पे खड़े रहे, और उसी का नतीजा यह था कि एक साल बाद में जब 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए तो हमें 3 विधानसभा सीटें जीती, और वो विधानसभा सीटें जीती जहां पर हमें 50,000 से कार्य शिकस्त मिली थी, वो सीट भी हम जीत के आए। आज देखने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से जो नेता है उनको एक मंत्र है, तू काम कर या ना कर, काम की फिक्र कर और तू बोलता रहे। यहां पर उन्होंने हमारे इतने बूथ अध्यक्ष, इतने पन्ना प्रमुख, इतने तमाम ये सब चीजें बोलते रहे, वो इन बोलने का नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने देखा, और हम तो यही उम्मीद करते हैं आप इसी गुमराह में जीते रहिए। इस प्रदेश की जनता से मुखातिब मत होइए, उस प्रदेश की जनता को जो मेरे साथी बोल रहे थे अभी कि हमने यहाँ पे ये शिक्षा की बात की, हमने ये फलाना किया, हमने ये रेकड़ा किया, किसान को 4.5 साल तक विधानसभा, तभी जो कर्जे की बात हुई, सरकार जानती है कि प्रदेश के अंदर ये जो कर्जा है किसान का कर्जा, ये आने वाली सरकार चुकाएगी, और आने वाली सरकार जो चुकाएगी उसका आवाज किसने उठाई थी, किसने मजबूर किया, कौन सी पार्टी थी जो किसान की भूमि को अधिग्रहण करने के लिए 3 बार जबरदस्ती विधेयक लेके आई, और कांग्रेस पार्टी की उसके दम के कारण चाहे सदस्य की संख्या कम रही हो
लेकिन वापस लेना पड़ा। यहां पे पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे दूसरे तमाम नेता हो, उन्होंने जनता की आवाज को मुखर करने का प्रयास किया, उसके साथ में कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे। कोई नहीं, आपसे राहुल गांधी तो हमें चुनाव जीत के मुखर नहीं किया, जनता पार्टी राहुल गांधी जी को लेके प्रदेश का अध्यक्ष ढूंढ रहे थे। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है 200 विधानसभा में जाके जो बूथ के अंदर अपना संघर्ष करते हैं, बूथ पे जो विचारधारा के लिए लड़ते हैं, जो लोगों को निकाल के लेके जा रहे हैं, उनके साथ वो संवाद कर रहे थे। आज ये चौथा दिन तक वहां पे ढूंढ रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने वो काम पूरा कर लिया है। आज आने वाला जो समय है इस लोकतंत्र के अंदर में जिस पे भरोसा किया है, सिर्फ और सिर्फ एक चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत अग्रणी है। आज इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जो बहने की बात करती थी आज 80 रुपए लीटर उसको पेट्रोल लेना पड़ रहा है, उसके रोजगार खत्म हो चुके हैं, किसान की फसल एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। आज इनके खाते जो मेरे साथी अभी जो बीजेपी के जो साथी है वो बहुत सी योजनाओं का बखान कर रहे थे, एक एक योजना पर हम चर्चा करेंगे और एक एक योजना पर जवाब देंगे और तथ्य पेश करेंगे। हो गया इस जयपुर के अंदर बहने का प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, एक आदर्श ग्राम नहीं बना पाए, जब प्रधानमंत्री जी खुद के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में नहीं बना पाए तो दूसरी जगह क्या बना पाते। एक माइल स्टोन ये बताते कि जहां पे इन्होंने ये पत्र रखा और उसको उद्घाटन किया, इन्होंने सिर्फ इस प्रदेश के खनन को, इस प्रदेश के अंदर माफियाओं को उन्हें लूटने के लिए खुला अधिकार दिया और चुनौती बनी, और इस सरकार के मंत्री सदैव ढांचा देते रहे। मैं आनंद पाल बढ़ाया जी को कहा कि मुझे शर्म आती है, यूडीएच मंत्री कह रहे हैं कि मेरे सामने तो कम से कम ऐसी बातें ना करो। यहाँ पे जो तमाम जो सरकार है वो बेबस और लाचार नजर आई, सिर्फ और सिर्फ सत्ता का एक केंद्र बन गया, वो मुख्यमंत्री जी केंद्र को आगे दिखा दिखा के इस प्रदेश की संपदा को लूटती रही, और कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने जब जहां पे सीवीसी तक जाके उसकी लड़ाई लड़ी, आज वो खाने इन्वेस्ट करनी पड़ी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे नेताओं को जिन्होंने इस प्रदेश की संपदा को बचाया, और आज इस प्रदेश का हर नागरिक जानना चाहता है कि आखिर किस प्रकार से जाएंगे। तो चलिए यही एजेंडा होगा अगले चुनाव का, जो मजमून आपको दिखाई देता है कि हमने ये किया और इनका आरोप होगा कि इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, तो ये लड़ाई होगी। अब ये देखना होगा कि करने वाले भारी पड़ते हैं कि नहीं करने का जो करार देने वाले हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं होता देश में, वो जनता के बीच जाएगा। और अब देखना होगा कि जंग जीतता कौन है, समय है, दोनों के पास में वक्त है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू है। और ये संक्रांति मान्य दोनों राजनीतिक दलों का कि अपनी अपनी ओर से जो पहल कर सकते हैं वो आगे बढ़ाई जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।